don't know you worked at your back of my luck to look like that. Justice! Who you are? Justice! Who you are? प्रोटेस्ट हम यहाँ पे इसलिए करें कि जब दो ऑनलाइन हुआ 2016 में तो 2018 में लिस्ट आउट हुआ तो यहाँ के फाइनेंस ने कहा कि ये सेंट्रल स्कीम है, कैंपस सेंट्रल स्कीम है, ये ऐसा 520 में नहीं आती है। अगर यहाँ पे यूटी बन गई तो यहाँ पे एक ही ऐसा रूल लागू होना चाहिए, जो वहाँ पे रूल है वो यहाँ पे भी लागू होने चाहिए। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि अगर सेंट्रल स्कीम है तो यहाँ पे यूटी बन गई है तो एक ही SRO दे दो, हमें भी SRO 64 में लागू कीजिए। वो पॉलिसी भी वाजिया हो जाए ताकि हम भी आगे चले, इस तरह तो हमारा जो भी फ्यूचर है वो डार्क होता जा रहा है। अब हम अपने गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हम जिस तरह उन्होंने जो बाकी डिपार्टमेंटों में बाकी लोग काम कर रहे थे उनके लिए एक पॉलिसी वाजिया की है, उसी तरह हमारे कैंपा वाचन वार्ड के लिए भी ये पॉलिसी वाजिया की जाए और जो हमारी पिछले एक साल से तनख्वाह रुकी पड़ी है वो वाजिया की जाए और हमारी रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी है वो वाजिया करे। थैंक यू सो मच। जेएनके में हम इस वक्त जो फिगर लगा हुआ है वो 1380 बंदे हैं, लेकिन है उससे ज्यादा। हम थोड़ा बहुत इसमें जाने की कोशिश करेंगे, टंगबर की हम बात करेंगे या शोपियां डिवीजन की बात करेंगे या राजौरी की बात करेंगे, रियासी की बात करेंगे या जम्मू की बात करेंगे। उनमें से आधे लड़के ऐसे हैं जो कैंपा में अपलोड हुए हैं, आधे ऐसे हैं जो उस वक्त अपलोड नहीं हुए हैं। वजह ये गलती लड़के की नहीं है कि लड़का अपलोड क्यों नहीं हुआ, वो डिपार्टमेंट 24 घंटे उसकी ड्यूटी ली जा रही है। हमारी जो वेज है वो 6,750 रुपये मिल रही है, तो जो असली जो अगर कैंपा की बात करें जो सेंटर में उनको वेजेस मिल रही है वो 22,500 मिल रही है। अगर यूटी अगर जेएनके अब यूटी में तब्दील अगर जेएनके अब यूटी में तब्दील हो गई तो जो वहाँ के उन लोगों को वेजेस दी जा रही है वो यहाँ क्यों नहीं लागू, हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। सर अब गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारा हक हमें दिया जाए, अगर हमारा हक हमें नहीं दिया गया तो हम पे मजबूर होना पड़ेगा सड़कों पर उतरने।